सो वी आर लाइव बट ऑफलाइन। तो भाई अभी मैं और सादिक भाई कम से कम आधा घंटे यूनाइटेड पर बात करिए, और यू नो लास्ट में एक ही चीज़ हुआ, यू नो दिमाग तो खराब था ही जो बख्शुदी हमने चैंपियंस लीग में पिलाई है। लेकिन अब भाई थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं और बात करते हैं एक और क्लब की, जिसका कहीं ना कि रिबिल्ड तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए इट वॉज अ पार्ट ऑफ शोइंग कि यू नो अलॉन्ग साइड गोट, वन ऑफ द गोट जिसे हम कहते हैं लियोनेल मेस्सी, उसके बिना भी एक सिस्टम बन सकता है, एक चीज ऐसी प्रिपेयर हो सकती है। या रोनाल्ड कोमन डेफिनेटली वॉजन द मैन, इट वॉज जावी हर्नांडेज। सबसे पहले तो मैं यही चीज एक सवाल पूछूंगा सादिक भाई से। सादिक भाई, अगर दो चीजें हमको हम पकड़े हैं यहाँ पर, अगर अराउओ को पकड़े हम और यहाँ पर गावी को हम पकड़े, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर जेरार्ड रोमेरो ने यहाँ पर दोनों के रिगार्डिंग ये अपडेट दी है कि गावी को लिवरपूल से एक 6 मिलियन नेट सैलरी का यहाँ पर एक ऑफर मिला है, और अराउओ को यहाँ पर आई थिंक 8 मिलियन कुछ का यहाँ पर आर्सेनल से ऑफर मिला है। अब इसके दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। सबसे पहले तो ये है कि चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि दीज आर रूमर्स, और दूसरी मान लेते हैं कि भाई ये एक लेवरेज होता है कि आपको बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए बार्सिलोना से। सबसे पहले तो इस पे आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा कि आपके जो जो कहते हैं कि ला मासिया प्रोडक्ट डेडिकेशन के साथ खेलता है, कमिटमेंट के साथ खेलता है, बुलशिट बुलशिट है? ये नहीं जाता। ये भाई इनका अलग ही एक डेडिकेशन होता है क्लब से, और लपोटा भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला है। वो वेट कर रहा है, वो चाह रहा है कि भाई किधर तक जाता है कॉन्ट्रैक्ट, किस लेवल तक जाता है, फिर वो बैठ के उनसे बात करेगा। क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्सेस है उनसे तो ये आ रहा है कि भाई वो एक है, देयर आर ऑफर्स तो होती हैं, जाहिर सी बात है इस लेवल होते ही की। हैं, लेकिन अभी तक तो अराहो ने कोई सीरियस डिस्कशन भी नहीं किया है नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया के है। बारे में। पहला जो एक उसको प्रिलिमिनरी ऑफर आई थी वो उसने मना कर दिया कि भाई ये मुझे सही नहीं लग रही, आप दोबारा इस पे सोचो। तो मोस्ट लाइकली जो ज्यादातर जो आपके ऑथेंटिक और जो प्रॉपर सोर्सेज हैं, जो ऑफिशियल सोर्सेज टाइप हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस पे हम बैठ के बात करेंगे सीजन के एंड पे, मतलब मई जून में आपको पता चलेगा कि इस पे क्या बात होगी। अच्छा सादिक भाई, बार्सिलोना के रिगार्डिंग ना एक जो अब सबसे ज्यादा टर्म यूज किया जा रहा है वो है मार्की साइनिंग, कि भाई मार्की साइनिंग कौन होगा है लपोर्ता का अभी, क्योंकि एक्चुअली पता प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है ये अच्छी चीज है बार्सिलोना के लिए कि इतना सडन इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, कि अगर जावी ऐसा होता कि जावी लालिगा में पहले आ जाता ना बार्सिलोना में, तो शायद से हमको जो टू हॉर्स रेस चल रही है सविया में मड्रिड में, आई थिंक वो तो खत्म ही हो गई, इट्स मड्रिड, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम कह सकते थे कि मड्रिड को टक्कर दे सकती थी लालिगा की टाइटल के लिए, जो कि डेफिनेटली वो नेक्स्ट सीजन देंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से अर्जेंसी दिख रही थी ना कि समर में करनी ही करनी है, साइनिंग करनी करनी है, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत कम हो गई है। बट स्टिल जैसे आपने कहा कि लपोर्ता कोई कच्ची गोली तो है नहीं, तो भाई वो तो करेगा मार्की साइनिंग। यहाँ पर दो नाम आ रहे हैं स्ट्राइकर के तौर पर, एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कि आप किस बार्सा के इस पूरे इलीट सिस्टम को दोनों में से कौन सा स्ट्राइकर ज्यादा मैच करता है। पहला है यहाँ पर डार्विन नूनेस और दूसरा है यहाँ पर रॉबर्ट लेवनडॉव्स्की, जिसमें पहले तो मैं ये लेवनडॉव्स्की और पूछूंगा कि हाँ हाँ मार्की साइनिंग बार्सा को करनी क्यों है। यार देखो इसका आपने लपोर्ता जो है, हालांड पे भी घेरा था मेरे को। लपोर्ता जो है, लपोर्ता कभी भी मार्की साइनिंग नहीं करता। लपोर्ता ने 2003 में भी जो मार्की उस वक्त था ना मार्केट में, वो वी आर मैं बोल गेटिंग टू बोल दैट थक गया, वो पॉइंट। डेविड बेकहम था। उसने लाया रोनाल्डिनियो, डेको एटो, और वो रोनाल्डिनियो जो था वो ठीक है, ये वो एक जैसे आप समझो अभी अगर विनिशियस मार्केट में होगा, लेकिन विनिशियस खेल रहा होता कोई लीग अन के क्लब से। इस वक्त पीएसजी का हाल वो था जो मोनेको मार्सेल इन टीमों का है ना, इस वक्त पीएसजी वैसी फीडर टीम थी। और रोनाल्डिनियो का कैप्टन गेस करो उस सीजन कौन था पीएसजी में, पीएसजी में कैप्टन होता ना एक मिनट, अरे पोचेटिनो, हाँ पोचेटिनो, हम बात तो कर रहे थे उस दिन। मॉरिसियो पोचेटिनो कैप्टन, वो तो एक ऐसी ट्रिविया क्वेश्चन हो गया सबके लिए। लेकिन उस रोनाल्डिनियो का एक हाइप था ठीक है, पर वो हाइप वो वाला नहीं था कि वो एक बडिंग सुपरस्टार था, लेकिन किसी ने उसको बालनडोर विनर नहीं सोचा था, या ऐसा नहीं सोचा था कि वो अपनी पीक पे वन ऑफ द गोट्स हो जाएगा ठीक है ना। उस प्लेयर को लाया, उसके साथ डेको पोर्टो के साथ जो जोसे मोरिनियो की पोर्टो थी उसके साथ चैंपियंस लीग जीता था, तो डेको वो लाया, सैमुअल एटो लेके आया, तो और उससे एक सीजन पहले वो राफेल मार्क्वेस को साइन किया था उसने डिफेंस में पुयोल के साथ पार्टनर करने के लिए। और यही कुछ हिसाब था उस वक्त कि आपके पास एक यंग जावी था ला मासिया का, आपके पास एक पुयोल था ला मासिया का,
आपके पास गोलकीपर विक्टर वाल्डेस था जो आपके अपने यूथ सिस्टम से आया था, और आपके पास पाइपलाइन में इनिएस्टा, मेसी, बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा ये प्लेयर्स पड़े थे, और उसने राइट बैक पे लाया था एक सस्ता सा डैनी अल्वेस उसके दो सीजन बाद, नॉट दैट सीजन, उसके दो तीन सीजन के बाद वो उसको लेके आया था। तो और जब उसने थियरी ऑनरी का बड़ा नाम चला था जिस सीजन 2006 में बारसा जब जीती थी ना चैंपियंस लीग, तो थियरी ऑनरी का कॉन्ट्रैक्ट अप हो रहा था, और थियरी ऑनरी की और रोनाल्डिनियो की बहुत अच्छी दोस्ती थी, और फाइनल आर्सेनल और बारसा का था जो बारसा जीत गई थी बड़ी मुश्किल से 2-1। तो बहुत इम्कान थे कि वो थियरी ऑनरी को लाएगा, और उसने बात भी की थी, लेकिन जब थियरी ऑनरी ने थोड़ा सा वो किया तो ही वेंट ऑफ, उसने कहा नहीं मुझे ये नहीं करनी। वो लेकर आया आइडियर को जॉनसन को, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो चेल्सी का प्लेयर था, जो कि अगेन सिस्टम में फिट किया फ्रैंक राइकार्ड के। तो बारसा जब जब मार्की साइनिंग के लिए गई है, जैसे कुटिनियो हो गया, डेम्बेले अभी चल रहा है, ग्रीजमैन हो गया, वो बारसा का डीएनए हम बात कर रहे थे अभी यूनाइटेड, डेम्बेले भी कह सकते हैं अपनी अकेडमी से बनाती है। इस वक्त देखो ना बारसा, इस वक्त बारसा की टीम में पोटेंशियल फ्यूचर 4 मार्की प्लेयर्स हैं आपके पास, जिनको अगर आपने डेवलप कर लिया, एक गावी, एक पेड्री, एक फरान, एक अराहो, अंशु फाटी, और अंशु फाटी, क्योंकि अंशु फाटी का तो यार पता नहीं। अच्छा एक मैं यही पहले आपको आइडिया पिच कर दूं, क्या अंशु फाटी अगर अपनी फॉर्म में होता तो क्या उससे वही अपने आप में मार्की साइनिंग नहीं हो गया? बिल्कुल, आपको जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा यहाँ पर एक थ्योरी, जैसे आई एम रोनाल्डो डाई हार्ट फैन, बट स्टिल आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कहना कि ये तो देखो सादिक भाई आप मानोगे कि लियोनेल मेसी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वॉइड तो था बारसा में, जिसको रोनाल्ड कोमन ने तो नहीं भरा, डेफिनेटली नहीं भरा, जबकि रोनाल्ड कोमन के ऐसे पुअर टैक्टिक्स, इतने डिजास्टर टैक्टिक्स में भी कहना कि मेसी ने उसको कंट्रोल करा, कंटेन करा। लेकिन मैं किस हद तक ठीक हूँ अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि फाइनली, मतलब आप इसको कह सकते हो कि ना चाहते हुए भी, चाहते हुए भी, बट लॉन्ग रन में, जैसे आप सादिक भाई हमेशा बोलते हैं कि क्लब लॉन्ग रन में हमें देखना चाहिए, विजनरी लॉन्ग रन में देखना चाहिए, फाइनली आई थिंक लियोनेल मेसी वन ऑफ द गोट को उन्होंने किसी प्लेयर से नहीं, किसी एक इंडिविजुअल से नहीं, बल्कि फाइनली उन्होंने एक इलीट सिस्टम, ये जावी का सिस्टम है, उससे रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल, और लोग बोलते हैं ना कि लियोनेल मेसी चला गया, मैं एंड तक ही बोलूंगा कि लपोर्टा ने सबके साथ 5D चेस खेली है। मैं यहीं पर ही आप पहले इस पे मैं स्टेटमेंट वापस आऊंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं, क्योंकि देखो जो बकचोदी हुई है सादिक भाई, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे, क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना शकुनी वाली चाल इसने यहाँ पर भी चल दी है हालांड के रिगार्डिंग भी। कुछ तो यार देखो पापा पेरेस, देखो मैं थोड़ा सा मैं जरा यहाँ थोड़े क्या बोलते नॉन वेज अल्फाजों का इस्तेमाल करूंगा। पापा पेरेस हरामी है, लेकिन वो सबके मुंह के सामने हरामी है, ठीक है ना, आपको पता है ये पापा पेरेस है, ये करेगा कुछ, ठीक है, सबको पता है। लपोर्टा जो है ना वो कमीना है वो मुंह पे कुछ बोलेगा पीछे कुछ और करेगा, ये अभी से नहीं करता है, ये एक जमाने से करता आ रहा है। तो देखो मुझे बहुत पसंद है भाई हमारा इनकी जो ये जुगलबंदी है ना ये 20 साल की चल रही है। ये सोचो ना बार्टोमेओ को हम इतनी गालियां देते हैं, उससे पहले जो रोजेल क्या नाम था उसका, उसको इतनी गालियां देते हैं, ये दोनों जो अभी जेल में बैठे हैं बार्टर में, और ये लपोर्टा के चेले थे जब जिस जमाने में लपोर्टा आया था पहली दफा। तो अब लेकिन बस फर्क ये कि उन दोनों को क्लब से कोई मतलब नहीं था, लपोर्टा का क्लब से एक डेडिकेशन है, तो इसलिए वो क्लब को नुकसान नहीं देके जाता, ये एक बस फर्क है इसमें। लेकिन मतलब हरामी है लेकिन क्लब के लिए तो बढ़िया है, लेवल वाला है भाई, लेवल वाला है, लेकिन पसंद है, ये वो वाला है जो आपको पसंद आता है।
बट सादिक भाई ये अचानक से हालांड पे यू टर्न क्यों हुआ, या फिर हालांड पे कभी टर्न था ही नहीं तो यू टर्न की तो मतलब ही नहीं बनता? क्योंकि सादिक भाई देखो ये तो मानना पड़ेगा कि हल्ला तो था, बहुत हल्ला था। मैं कहूँ जितना मैड्रिड का था जितना सिटी का था उतना, उससे कैसा ना हो उससे ज्यादा वो बार सका, बट एकदम से ठंडा कर दिया। हल्ला बहुत था लेकिन मैं शुरू से तुझे कह रहा था वो प्रैंक हो गया, वो उसने कैमरा दिखा दिया सबको। बेसिकली पता क्या किया है, रायोला जो है वो लपोर्टा का बड़ा अच्छा दोस्त है, ये सबको पता है। हाँ, बल्कि यही है कि रायोला की ये जो रिलेशन है ना, ये एक बहुत बड़ा हुकुम का इक्का माना जा रहा था, ये सबको पता है। लेकिन रायोला के एजेंट्स, रायोला के क्लाइंट्स में डिलिक्ट भी है और रायोला के क्लाइंट्स में मजराउई भी है और दो तीन और अच्छे डिफेंडर्स भी हैं, सब मुझे याद नहीं आ रहे कौन है। और शायद आई थिंक चुआमेनी भी उसी का है। चुआमेनी वो है ग्रेवनबर्ग आई थिंक, नहीं एक एक आधा सीडीएम भी है वो उसी का, पता नहीं सब मुझे याद नहीं आ रहा। खैर तो ये है कि बार्सा के साथ वो कर करके उसने हालैंड की प्राइस रायोला के लिए बढ़वा दी और अपनी डील्स निकलवा ली, और अपनी डील बोला भाई देख सबर कर तुझे उधर इतने मिल जाएंगे तो मुझे इधर डिस्काउंट दे देना। ये वैसे ये हो सकता है क्योंकि अभी अभी जस्ट लेटेस्ट जो रिपोर्ट आ रही है ना वो ये है कि सिटी ने भाई मतलब मैमथ, मतलब फिगर्स हमारे सामने नहीं है। वैसे मैंने एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में आपको बताया था कि जो फिगर है वो मैंने आपको उसमें उसी एपिसोड में डिस्कस भी किया था, वही है वही रिपोर्ट को कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है चाहे फैब्रिजियो की हम बात करें या बाकी उनकी बात करें तो उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि मैमथ वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है। और रियल मैड्रिड की तरफ से भाई सीन यही है कि रियल मैड्रिड इज नाउ अ सेकेंड ऑप्शन और बस कन्फर्म यही है कि सिटी की तरफ ही वो जा रहा है। अच्छा एक चीज़ जो हम हाँ मसला क्या हो जाएगा, ठीक है फ्री ट्रांसफर पे तो आ रहा है ठीक है एम्बापे, लेकिन इशू ये है कि मैड्रिड भी अगर एम्बापे 100 मिलियन छोड़ के आ रहा है तो मैड्रिड उसको 40-50 तो देगा ना सैलरी, 70-60 तो उसको साइनिंग ऑन बोनस में साइनिंग ऑन बोनस मिल रहा है। जब वो 60-70 जब देगा सैलरी तो वो फिर वो वेज बिल के कितना भी वेज बिल 200 कुछ का वेज बिल था, 50 हालैंड भी तो लेगा ना। बिल्कुल 50 हालैंड लेगा 40-40 वो लेंगे 40 तो बेंजीमा भी मांगेगा जिस तरीके ऐसे में तो आपने देखो हमारी बात हुई थी, ऐसे में तो जब ऐसा कुछ होगा तो सबको पता है बेंजीमा जाएगा, ठीक है बेंजीमा चला गया ठीक है बेंजीमा चला गया, विनी और रोड्री को तो रहेंगे, विनी रोड्री रहेगा 30-30 वो भी मांगेंगे। अभी चुआ मेनी की बात चल रही है, चुआ मेनी को साइड रख, मैं तो मैं बात कर रहा हूं एडर मिलिटाओ नंबर 1 डिफेंडर है वो भी 10-12 तो 15 तो मांगेगा, डेविड अलावा भी मांगेगा। तो मतलब कुल मिला के आप कह रहे हो कि ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा एक अलग कैटेगरी, एक अलग नए रेंज बैंड में, बैंड में फिट करोगे आप वेज बिल में फिट ना करोगे क्योंकि लालीगा ने स्ट्रिक्ट कैप लगा दिए ना अभी, क्योंकि कोविड के बाद जो फाइनेंशियल सिनेरियो थे उन्होंने स्ट्रिक्ट कैप लगा दिए दे भी गए। अच्छा एक चीज 10-30 मिलियन ऊपर नीचे करवा सकता है लेकिन एक लिमिट तक आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो पापा पेरेस भी खेल ही सकता है उसका लेकिन एक लिमिट तक आप खेल सकोगे। सादिक भाई मेसी को लेके बहुत अपडेट है, बहुत रूमर्स है, बहुत ड्रामे है कि ये चल रहा है वो चल रहा है। अभी ये चीज़ आई कि भाई डिस्पाइट एवरीथिंग जो भी चल रहा है पीएसजी में वो रुकेगा क्योंकि, लेकिन आज हम टेक्टिकल एस्पेक्ट्स पे देखो यार गाइस हमने बात करी थी, पहले भी करी थी, अभी भी थोड़ी कर लेंगे और आने वाले टाइम में भी आपको ये डिस्कशन मिलता रहेगा, लेकिन आज ना हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो डिप्लोमेटिक है क्योंकि यार जब से सादिक भाई ने वो स्टोरी समझाई ना मुझे, मेरे वो भाई मेरे को इंटरेस्ट आ गया और मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी इस रिकॉर्ड करने से पहले वो पढ़ के आया हूँ वापस से, वो पन्ने खोल के आया हूँ मैं लपोर्ता और मेसी के कि किस तरीके से शायद से ऐसा एलिज किया जाता है, भाई ये इस वर्ड को सुन लेना गाली मत देना, एलिज किया जाता है कि लपोर्टा ने मेसी का नाम यहाँ पर यूज किया, मेसी वाली डील को एज ए लेवरेज लिखा कि वो यहाँ पर जेवियर टेबस पे प्रेशर बनाए कि वो जो बार्सिलोना का स्पेंडिंग है जो वेज बिल है उसके गैप को बढ़ा दे जिससे कहीं ना कहीं जेवियर टेबस पे ये प्रेशर आए कि मेसी लालीगा ना छोड़ के जाए, या फिर आप कहो कि कहीं ना कहीं वो सीवीसी डील को साइन नहीं करना चाहता था कंसिडरिंग द फैक्ट कि यूरोपियन सुपर लीग का प्लान वो जिंदा रखना चाहता था। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सादिक भाई ये चीज पूछूंगा कि टैक्टिकली हटाएं
इज इट एक्चुअली पॉसिबल कि कंसीडरिंग द फैक्ट कि मेसी और लेपोर्टा के बीच के जो रिलेशंस है वो इतने खास तो नहीं है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो मेसी ने हाल ही में कमेंट भी करा था लेपोर्टा के लिए उस टाइम कि ऐसा है, आई एम वेरी हर्ट और जो भी है, ये नहीं होना चाहिए था. आप देख रहे हो कि अगर मेसी इवन इफ स्लाइटेस्ट अवेलेबल भी होता है मार्केट में तो बार्सिलोना एग्रेसिवली पुश करेगी मेसी को लाने के लिए. सिर्फ एक सूरत में कि मेसी इस चीज को समझे कि वो एक दो सीजन होगा और वो फोकल पॉइंट नहीं होगा, वो सिस्टम का पार्ट होगा. मेंटोर आप कहना चाह रहे हो? मेंटोर और सिस्टम का पार्ट समझ लो. अभी जो रोल इब्रा है उसको इब्रा ए सी मिलान. नहीं, अभी जो डैनी एल्वेज जो चीज कर रहा है ना कि जहां जरूरत है उसको स्टीरॉइड्स पे डाल दो, क्योंकि मेसी मेसी है, एल्वेज एल्वेज है, एज में भी फर्क है, लेवल में भी बहुत फर्क है, ठीक है ना. लेकिन जो डैनी एल्वेज का रोल है ऑन स्टीरॉइड्स, यानी कि मेंटर भी करे, प्ले भी करे, लेकिन ये भी समझे कि वो हर गेम नहीं खेले. और एक तरीके से वो रोल की प्रैक्टिस उसको पीएसजी में हो रही है, वो फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस भी कर रहा है उधर उसी रोल की. हर मैच नहीं खेलता, अक्सर मैच में वो बैठता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो वो वाली चीज हो रही है. और दूसरी चीज, लपोर्टा का जो 4D चेस का लेवल है वो इससे देख ले कि पिछले 10-12 दिन से दो न्यूज आ रही थी, ठीक है ना, कि स्पॉटिफाई की डील ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है, और वो सीबीसी के पीछे भाग रहा है. सीबीसी के पीछे भाग रहा है. अब उन्होंने अब स्पॉटिफाई का ज्यादा इंटरेस्ट तब है कि अगर ESL या यूरोपियन सुपर लीग चले, ठीक है ना, वो तो ब्रांड है ना. जैसे ही वो उसके पीछे भागना शुरू किया सीबीसी के पीछे, आज फॉर न्यूज आई कि स्पॉटिफाई की डील कंफर्म हो गई. डील कंफर्म. ये साठ, ये तो आपने सही कहा कि चाल तो चलता है, वो चाल तो बढ़िया चलता है वो. मतलब सादी भाई, ये क्या है कि लालीगा ने वेज आपके पर कैप लगाया है 144 मिलियन यूरोस का कि आप सिर्फ इतना खर्च कर सकते हो. और ऐसे एक बात, ये भी मेरे को आप समझाएं, वो ना आपके रेवेन्यू से होता है. आप जितनी सैलरी दे सकते हो ना, उसका कुछ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता. ये लपोर्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्सर समझाता रहता है इसको, लेकिन वो तो थोड़ा अपना मिर्च मसाला लगा के समझाता है. वो ये है कि आपका जितना आप रेवेन्यू जनरेट करता है ना क्लब, स्पॉन्सरशिप से, टिकट प्राइसेस से, क्योंकि 2 साल तो स्टेडियम भी बंद रहा है या बहुत कम फैंस आए कैंप नू में, अभी जाके स्टार्ट हुआ है 100% फिर से, तो उसके बेसिस पे ये जो अभी जो आया ना ये लालीगा का, ये इस सीजन का कैप का आया, ये अगले सीजन के लिए नहीं आया. इस सीजन बार्सिलोना इज इन द एरर्स, तो अगले सीजन क्या होगा कि वो उसको आपको कवर करना पड़ेगा. लेकिन अगले सीजन स्पॉटिफाई की डील आ जाएगी, आपके स्टेडियम रेवेन्यूज शो करेंगे, आप एक आदमी ग्रीटमैन का हटा दोगे कॉन्ट्रैक्ट अपनी बुक्स पे से, आप मोस्ट लाइकली मेम्फिस डिपाई को हटा दोगे प्रोबेबली, जो आपके आउटगोइंग्स होंगे और सब होंगे, तो आपकी ये जो वेज बिल है ना ये रिलैक्स हो जाएगा. वो तो अभी क्या है, ये भी एक तरीका है दिखाने का कि देखो हम कितने प्रेशर में हैं, हम गरीब हैं, मैं गरीब हूँ. भाई अगर बारसा जाके दिखाएगी मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, तो प्लेयर के लिए लोग पैसा मांगेंगे. अच्छा, बिजनेस की दुनिया है, बिजनेस. दिस इज बिजनेस. लेकिन सादिक भाई, एक डील जो आपने कंप्लीट कर ली है वो है फ्रैंक केसी की, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये बहुत फ्रैंक केसी हो गई है. हाँ, डिस्कशन बहुत चल रहा है कि फ्रैंक केसी इज नॉट एन अर्जेंसी, फ्रैंक केसी अर्जेंसी नहीं है. लेकिन एक सेक्शन ये भी कह रहा है कि जब फ्री ट्रांसफर मिल रहा है तो क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट. तो आप किस तरीके से ज्यादा बेंट करते हो? यार मेरे लिए वो लास्ट होगा प्रायोरिटी लिस्ट में. अगर इस वक्त जो एक्टिव डील्स हैं, यानी कि जो वैलिड डील्स हैं अपने सामने, उसमें हालैंड तो चलो हट गया अभी, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हालैंड को तो आप साइड कर दो. अब आपके सामने आते हैं तो वो है एस्पिली को, क्रिस्टेंसन वाली, आई थिंक क्रिस्टेंसन भी हो गई. उससे भी पहले जब ये नेगोशिएशन पीरियड मई के बाद शुरू होगा ना, मई जून में, सबसे पहले भाई अराहो और गावी के कॉन्ट्रैक्ट, अगले 4-5 साल के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट पक्के करो, 800 मिलियन बिलियन बिलियन के रिलीज क्लॉज डालो उनके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, क्योंकि इस वक्त सऊदी हर जगह आ रहे हैं, चेल्सी में भी आ रहे हैं, वो 300-400 मिलियन दे देंगे आपको रिलीज क्लॉज. अल हबीबी, अल हबीबी हमारे साथ يا اخي انا كلمته مع انت هذا مشكل وايد 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 زياده سوري میں ذرا ٹینجنٹ پہ چلا گیا عربی کے اچھا کہ ابھی تو یہ ہو جائے گا تو ان کے کانٹریکٹ اپ پہلے پورے کرو پھر اس کے بعد اپ کرسٹنسن کو فائنل کرو
फिर हो सके तो अगर एस्पिलिक्वेटा आ रहा है, क्योंकि अगर जो नए ओनर्स आ रहे हैं चेल्सी के, उनका सबका यही है कि हम रुडिगर और एसपी दोनों को रखेंगे, और एसपी का आई थिंक वो भी है कि अगर उसने सर्टन नंबर ऑफ गेम्स खेल लिए तो उसका एक ऑटोमेटिक एक्सटेंशन किक इन हो जाता है, कुछ ऐसा भी उसका हिसाब किताब है. तो जो आ रहा है उसको फाइनल करो. नासर, वो क्या कहते हैं ये, नासर अल मजरूई को आपका कंफर्म करो, उसके बाद आप आगे देखो क्या हो रहा है. थोड़ा सा क्योंकि भाई देखो, आई एम अ मैड्रिड अल्ट्रा और सादिक भाई बार्सा अल्ट्रा है, थोड़ा एल क्लासिको को छू लेते हैं. चलो चलो. क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इस मैच के इमीडिएट रिएक्शन की हम बात करें, कि अगर मैच से पहले की, तो ये अब कहीं ना कहीं कंफर्म होता हुआ दिख रहा है कि फर्नांडो मेंडी शायद से मैच से बाहर है, और बेंजिमा के रिगार्डिंग ऑप्टिमिज्म पूरा है लेकिन डाउट अभी भी है. लेकिन रोड्रिगो लाइनअप में आ जाएगा आई थिंक. एल चिरिंगुइटो जो भी स्पेनिश न्यूज़पेपर है उसने ये चीज अभी रिवील की है, आने वाले टाइम में टेस्ट होंगे. बेंजिमा के साथ कितना फ्रंट फुट पे है मैड्रिड, और बेंजिमा के बिना कितना बैक फुट पे है फ्रंट मैड्रिड अगेंस्ट बार्सिलोना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बेंजिमा एक मोबाइल फॉरवर्ड है जो बीच से आपके विंग को लिंक अप करता है, ठीक है ना. बार्सा जो टीम है, मैं हर पॉडकास्ट पे, हर वॉच अलोंग पे एक ही चीज बोलता हूँ कि बार्सा की जो मिडफील्ड है ना, वो सब वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन स्पॉन्टेनियस प्रेस करने वाली है मिडफील्ड. उसी से डर लगता है. वो नेचुरली प्रेस और काउंटर प्रेस करते हैं, मतलब ऐसा लगता है वो पैदा ही काउंटर प्रेस और प्रेस करने के लिए होंगे, और वो इतना रिदमिकली करते हैं, और हर किसी को पता है कि किसको प्रेस के ट्रिगर पे जाना है, किसको इंटरसेप्शन लेन में रहना है, किसको उसके पीछे रहना है, किसको नेक्स्ट प्लेयर को प्रेस करना है. इंट्यूसिव प्रेस होती है उनकी. ये मैं आज पढ़ भी रहा था कहीं कि इस बार्सा के सारे प्लेयर्स को पता होता है ज़ावी के सिस्टम के, इतना इन्वॉल्वड हो चुके हैं कि इंटेंसिटी बोलते रहेंगे हर बार प्रेसिंग बोलते रहेंगे, इनकी जुबान पे ना मतलब लत लग गई है इन चीजों की. सिर्फ जुबान नहीं, उनको पता है, मतलब कभी मैच देखना जब ये प्रेस, जब ये फ्लो में होती है ना टीम, तो नजर आएगा कि भाई ये प्लेयर इधर से निकला, उधर से फेरान टोरेस प्रेस करने गया, तो गावी पीछे उसके जो नेक्स्ट उसको उसको कवर किया, पेड्री ने पास लेन इंटरप्ट किया, और पीछे बुस्केट्स भाई तो पासिंग लेन्स खेल ही रहे होते. और ये जो मिडफील्ड है ना, इसने आपको जो सुपर कोपा वाला था जिसमें पेड्री और गावी आई थिंक साथ में थे फॉर अ टाइम बीइंग उस मैच में, इन्होंने क्रूज कैसेमिरो मॉड्रिज की मिडफील्ड को नचा दिया था. क्योंकि जो एक चीज होती है ना क्रूस और कैसेमिरो के साथ, जो एक प्रॉब्लम अभी आई है, पहले नहीं थी लेकिन अब जैसे जैसे वो एज कर रहे हैं, वो उतने प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, प्रेस के आगे वो परेशान हो जाते हैं, जो आपने पीएसजी के फर्स्ट लेग में भी देखा था, ठीक है ना. पीएसजी को फर्स्ट लेग में पीएसजी ने बड़े तरीके से प्रेस किया था, और जब उसने प्रेस किया था तो क्रूस कैसेमिरो मॉड्रिच को बहुत परेशान किया था उन्होंने. सादिक भाई, मेरे दो सवाल हैं आपसे मैड्रिड को लेके, और फिर मेरा एक ट्रिकी सवाल आपसे खुद होगा जो बार्सा को लेके होगा. दो सवाल हैं. आई नो यू आर अ बार्सा अल्ट्रा, बट अगर आप एक बार को मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये पता था हमको कि कहीं ना कहीं पीएसजी की सेकंड लेग में जो हमने कमबैक किया, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चीज थी, वो बड़ी चीज थी कहीं ना कहीं, बट इट वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ प्ले. कार्लो एंसेलोटी पूरे सीजन इससे खेलता हुआ नहीं आया है ना, क्योंकि एक एक जैसे आप कहते हो ना कि मिडफील्ड, आपने भी मिडफील्ड का इतना जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपने यहाँ पे हाईलाइट किया है. आपको क्या लगता है कि हमारे ट्रेडिशनल स्टाइल जो, यानी कि मिडफील्ड थ्री जो है, क्रूस कैसेमिरो मॉड्रिच, ये हमारा गो टू स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगेंस्ट बार्सिलोना, या फिर वाल्वर्डे कामाविंगा एंड मॉड्रिच, या फिर कुछ कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन हमारा होना चाहिए? वाल्वर्डे कामाविंगा मॉड्रिच, आपको मॉड्रिच को उस प्रेस से फ्री करना पड़ेगा गेम बनाने के लिए. So you are saying कि PSG वाला जो approach था वो ज़्यादा better है? Kamavinga and Valverde, ठीक है, वो भी press के आगे वो होते हैं, लेकिन वो at least counter press करते हैं. हाँ, वो physicality है उनमें, वो hunger है. Press उन पे होगा, वो ball lose करेंगे तो वो दोबारा ball लेने जाएंगे. Cruz और Casemiro अगर ball lose करते हैं तो पीछे आते हैं, दोबारा एक reset करते हैं. उतना time अगर आप इस Barca को दे दोगे तो अपना game बना लेंगे middle of the park में. और अगर आप कामाविंगा और वाल्वर्डे को ले आओगे तो वो थोड़े डायनेमिक प्लेयर्स हैं, वो आप उन पे चढ़ोगे, वो दोबारा आप पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बॉल आप थोड़ी बहुत जीतोगे. आप जो कुल मिलाकर इट वुड बी वेरी वेरी फिजिकल गेम मिडफील्ड में, क्योंकि बार्सा प्रेस कर रही होगी, इधर से हम प्रेस कर रहे होंगे, आपको फिजिकल बनाना पड़ेगा. अगर आप बैठ गए इस बार से तो ये पीएसजी नहीं है,
अच्छा आप कह रहे हो कि ये चीज कह रहे हो कि अगर ट्रेडिशनल मिडफील्ड के साथ जाते हैं तो डिस्पाइट टेक्निकलिटी, डिस्पाइट द विजन, डिस्पाइट द एक्सपीरियंस, ये बार्सा का प्रेस कहीं ना कहीं रनओवर कर देगा, कर सकता है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम बार्सा को कर सकता है, उसमें भी एक प्रॉब्लम जो बार्सा को आएगा वो आएगा अगर आप विनी और रोड्रिगो को विंग्स पे खिला दो। मेरा नेक्स्ट सवाल यहीं से स्टार्ट होता है सादिक भाई, व्हाई पे हमारे पास डिफेंसिव पेस नहीं है डिफेंस में? हाँ डिफेंस में थोड़ा है, हाँ पेस है लेकिन वो आईक्यू नहीं है, फिर उसके बाद वो पोजीशनिंग नहीं है। हाँ वो थोड़ा सा खुल जाता है पोजीशनिंग पे, अगर लेफ्ट पे खेलेगा सर्जिनियो डेस तो ठीक है, वो रोड्रिगो को कवर कर सकता है, विनी को कौन कवर करेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सादिक भाई एक, और विनी के जो फिर क्या होता है जिसका मुझे डर लगता है वो ये है कि अराहो जो है वो आपका लेफ्ट विंग कवर करने में या आपका राइट विंग कवर करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, अगर विनी राइट पे खेलता है आप अराहो को राइट साइड सेंटर बैक खिला के खिला दो, और वो जो ट्रांजिशन में जब बैक थ्री जब आपके लोड आता है तो आप ट्रांजिशन में बैक थ्री बैक फाइव बनता है कि आपका फुल बैक भी पीछे आता है, आपका एक सेंटर बैक भी आता है, आपका सीडीएम या एक आधा मिडफील्डर बीच में कवर के लिए घुसता है, एक सेंटर बैक घुसता है और एक आपका दूसरा फुल बैक घुसता है, ठीक है ना, तो आपको एक फाइव बना लेते हो एक तरीके से, उसमें राहो आपको अगर हेल्प कर रहा है इस तरह से दूसरे विंग पे आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है, और उसी उसमें बेंजीमा का रोल कहां क्रूशियल आता है, लास्ट मैच में बेंजीमा ने पीछे बॉल विन किया था पहले गोल के लिए, वही चीज थी कि बेंजीमा का जो वो जो ऑफ द बॉल रोल है ना, जो डिफेंसिव एक्शंस है उसके, वो आपसे मैं अगर एक सवाल मतलब कहीं ना कहीं आपने बताई दिया रोड्रिगो को जब मेंशन किया, ऐसा काफी बार मैंने देखा है कि इस पूरे मैड्रिड के अटैक में ना राइट विंग एक ऐसा एरिया होता है जो कि बहुत डिस्कनेक्टेड सा लगता है, मतलब वो फ्लेयर आता ही नहीं है, लेकिन अगर हम अभी एक बार उस पर आप एड्रेस कर देना, और फिर हम ये चीज एक बार मेरे को बात करनी थी कि चार राइट विंगर है हमारे पास, गैरेथ बेल, ईडन हजार्ड, रोड्रिगो एंड असेंसियो, जिसमें आई थिंक गैरेथ बेल और ईडन हजार्ड से तो मूव ऑन ही कर दिया एंसेलोटी ने, मतलब आई डिडंट नाम है उनका काम नहीं है। अच्छा और असेंसियो का काम होगा क्योंकि असेंसियो जो है वो विंगर नहीं, वो एक तरीके से इनसाइड जो इस वक्त दैनिक कार्यवाहल नहीं है, आज से तीन साल पहले हाँ वो था, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है, तो डानी कारवाहाल या आपको राइट बैक चाहिए अगर आपको असेंसियो को यूज करना है, और आपको ना राइट विंग, क्योंकि सिर्फ रोड्रिगो के बेसिस पे राइट विंग आपका इसलिए जाग जाता है क्योंकि उसकी पेस है, और वो समझो रोड्रिगो एक तरीके से ना हल्का अडामा वाला रोल करता है आप लोगों के लिए, बस अडामा थोड़ा चौड़ा हो गया, वो एक हल्का अडामा है जिसका क्रॉस थोड़ा अच्छा है, इसका क्रॉस ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब और ये फर्क है तो, लेकिन क्या है कि वो एटलीस्ट वो विंग आपका ओपन कर देता है, उस विंग को जगा देता है, वो विंग सो नहीं रहा होता, लेकिन अगर आपके पास राइट बैक आ जाएगा तो असेंसियो के साथ भी वो विंग जाग जाएगा। अच्छा एक जो शुरुआत में मैंने आपसे एक बात की थी, डू यू रियली नीड लेवेंडोव्स्की बार्सा? हाँ बहुत 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 लिंक हो रही है अब, ये मेरे को नहीं पता भाई, आ गया तो बेहतरीन हो जाएगा, ये सोच ले कि आप ओबामा यांग को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे जैसे ओबामा यांग कर रहा है, वही मैं सोच रहा हूं कि टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट ना, आई हैड डार्विन नूनेस और लेवेंडोव्स्की दोनों बहुत लिंक हो रहे हैं, लेकिन डार्विन नूनेस, लेकिन लेवन लेवा अलग ही लेवल पे होगा भाई, लोग अक्सर बोलते हैं कि देखो लेवा जो है वो इतना ऑफ द बॉल वर्क रेट नहीं देता, ओबामा यांग ज्यादा देता है, लेकिन लेवेंडोव्स्की बायर्न के सिस्टम में खेलता है, बायर्न के सिस्टम में ऑफ द बॉल वर्क किए बगैर प्लेयर सरवाइव नहीं कर सकता। जी अच्छा लास्ट में सादिक भाई आपसे बस तीन ही मैं प्लेयर्स के नाम दूंगा मैं आपको, और आपको बस अपने जो भी आप की यू नो इंट्यूशंस कहते हैं, आपको जिस तरीके से अप्रोच है उसके बेसिस पर आपको बताना है कि क्योंकि यही चीज चल रही है, एक है लीड्स यूनाइटेड का रफिया, ये काफी ज्यादा आ रहा है कि भाई ये बार्सा को ज्वाइन करने में काफी इंटरेस्टेड है, एक पता नहीं बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड है
पता नहीं सबको पता है कि होना वही है, लेकिन फिर भी अटकलें लग रही हैं, वो है मोहम्मद सलाह की और तीसरा है रॉबर्ट लेवनडॉव्स्की की। इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मेरे को लगता है कि होगा सिर्फ एक ही, दो नहीं होंगे, आएगा सिर्फ एक ही, अगर आया तो इनमें से भी, तो वो कौन होगा और किसका सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है? यार मैं देख, मोहम्मद सलाह आया तो उसका बेनिफिट भी है और बार्सा का भी बेनिफिट है, क्योंकि सलाह ऑलरेडी एक प्रेसिंग सिस्टम में खेलता है जहाँ पे वो काम कर सकता है बार्सा के सिस्टम में भी। लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है आई थिंक शायद उसका फेवरेट चाइल्डहुड क्लब रियल मैड्रिड है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इजिप्ट, यहाँ मेरे बहुत इजिप्शियन दोस्त है, मेरे स्कूल में मेरे बहुत से इजिप्शियन दोस्त है। यहाँ पे टॉप पे दो ही क्लब होते हैं, 60% लोग हाला मद्रिद करते हैं, बाकी विस्कायल, 30% विस्कायल बार्सा करते हैं, बाकी अगले 10% प्रीमियर लीग को फॉलो करते हैं। तो ये जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है ना, जो मीना रीजन है, मिडिल ईस्ट से नॉर्थ अफ्रीका, इधर ना रियल मैड्रिड से खेलना एक ड्रीम है। तो इसलिए जब भी कोई मुझे कहता है ना कि अगर मोहम्मद सलाह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो कहां जाएगा, तो मुझे रियल दिल में कितना दर्द हो रहा है सादिक भाई के बोलते हुए बीपी हाई हो गया एक बार के लिए। अच्छा, और मुझे पता, अगर 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 मोहम्मद सलाह गया ना तो वो जाएगा मैड्रिड, और वो जाएगा मैड्रिड, और एक और एक वक्त को दो साल के लिए पापा पेरेस उसको ले भी आएगा, ले भी आएगा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि ईडन हजार्ड और गैरेथ बेल दोनों जा रहे हैं, क्योंकि अंदाजा नहीं है आप लोगों के मिडिल ईस्ट में सर मोहम्मद सलाह का क्या रोब है, क्रेज कहते हैं जो एक उसका एक कर, उसका एक वो है क्या बोलते हैं, उसका एक क्रेज है इसका, तो वो तो ना एक अलग ही मार्केट खोल देगा भाई। यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर, यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर यूनाइटेड का नहीं, किसी का नहीं, लिवरपूल का स्टोर है अपना दुबई मॉल, जिसके बाहर वो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे लिवरपूल का अलग स्टोर है। तो मार्केटिंग का तो वो एक अलग ही, वैसे ही रियल मैड्रिड यहाँ पे इतना मार्केटेड है, उसका फिर एक अलग ही मार्केटिंग शेयर बन जाएगा, अलग ही हो जाएगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद लेवा वाली एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि आने वाले टाइम में बार्सा एक्सप्लोर कर सकती है, और सादिक भाई ने डेफिनेटली बताया है कि लेवा बहुत सारे प्रोज लेके आएगा, बस कंसीडरिंग द फैक्ट कि एक ही कॉन्स मेरे को लगता है वो होने वाला है यहाँ पर, जो उसकी एज है, एज उसका एक कॉन्स है, बट स्टिल आई थिंक सादिक भाई मान सकते हैं कि उस पर आराम से 2-3 सीजन है जो कि वो कहीं ना कहीं दे सकता है। और डेफिनेटली आई थिंक जावी के सिस्टम में, अब एक चीज जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला था जब मेस्सी को मैं एड्रेस कर रहा था, जब मैं बाकी प्लेयर्स को एड्रेस कर रहा था, वो यही था कि जावी के इस सिस्टम में सबसे खास चीज यही है कि इट डजंट डिपेंड ऑन एनी सिंगल इंडिविजुअल। हाँ, पिलर आप कह सकते हो कि बहुत सारे पिलर हैं, जैसे सादिक भाई ने बताया कि हर एक डिपार्टमेंट में एक पिलर है, चाहे अराओ की हम बात करें, गावी की बात करें, नीको की हम बात कर लें, पेड्री की बात कर लें, तीन तो मैंने यही गिनाती है भाई, और हाँ फेरान टोरेस की हम बात कर लें, अंशु फाटी की हम बात कर लें यहाँ पर, तो लेकिन ऐसा नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक ही बंदा चला रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सबसे अच्छी चीज है कि इस बार्सिलोना की इस स्ट्रैटेजी में ये बहुत अच्छा होगा कि लॉन्ग टर्म विजन में आएंगे जाएंगे उसका अलग होगा, लेकिन बार्सा हमेशा फ्लरिश करेगी आने वाले टाइम में जावी के सिस्टम में। बाकी थैंक यू सो मच सादिक भाई, ये अच्छा था हम जो बात कर रहे थे ना, ये ठीक था, पता चल रहा था कहाँ जा रहे हैं हम ये थोड़ा सा अंदाजा था, उधर तो एक गली में घुसा दूसरे में उधर तो एक गली में घुसे दूसरे में था यार, अब कहाँ जाए क्या यार, लेकिन यार यूनाइटेड भी यार थोड़ा रास्ता पकड़ ले तो जरा होगा होगा, मैं फिर चला आएगा 2011 की यादें अपनी चला जाऊं जब चैंपियंस लीग फाइनल हम ही हम खेलते थे अब बार्सा यूनाइटेड। बट थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक बने रहने के लिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।